देश का राजनीति माहौल गर्म है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, हर तरफ पैनिक सिचुएशन है। अगर हम बात करें दक्षिण की तो तमिलनाडु में नई सरकार के लिए हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल श्री विद्यासागर राव ने पलानी स्वामी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। आज करीब 4:30 बजे पलानी स्वामी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय भी दिया जाएगा। इससे पहले आज पलानी स्वामी तमिलनाडु के गवर्नर से मिलने पहुंचे और उनके साथ उनके 4 साथी MLA भी गवर्नर से मिलने पहुंचे। आपको बताते चले, पलानी स्वामी ताकतवर गोंडार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय से पनीर सेल्वम भी आते थे। पलानी स्वामी जयललिता के काफी नजदीकी विश्वास पात्रों में से एक माने जाते थे। आपको बता दें, पलानी स्वामी 4 बार विधायक बन चुके हैं। साल 1989, 1991, 2011 और 2016 से सलेम जिले के झाड़पट्टी विधानसभा सीट से वो 4 बार निर्वाचित हुए हैं। ये चारों बार AIADMK पार्टी के टिकट पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा है और निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट।